उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। का संदेश देने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत, समाज सुधारक, युवा युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। दोस्तों, इनके जन्म को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ज्ञान बुलेटिन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रमुख कारण उनका दर्शन, सिद्धांत, अलौकिक विचार और उनके आदर्श हैं, जिनका उन्होंने स्वयं पालन किया और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी उन्हें स्थापित किया। उनके ये विचार और आदर्श युवाओं में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, उनके लिए प्रेरणा का एक उम्दा स्रोत साबित हो सकता है। दोस्तों, किसी भी देश के युवा उस देश का भविष्य होता है, उन्हीं के हाथों में देश की उन्नति की बागडोर होती है। दोस्तों, आज के इस दुनिया में चारों ओर भ्रष्टाचार, बुराई, अपराध का बोलबाला है, जो घून बनकर देश को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ऐसे में देश की युवा शक्ति को जागृत करना और उन्हें देश के प्रति कर्तव्यों का बोध कराना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, विवेकानंद जी के विचारों में वह क्रांति और तेज है जो सारे युवाओं को नई चेतना से भर दे, उनके दिलों को भेद दे, उनमें नई ऊर्जा और सकारात्मक का संचार कर दे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की वाणी भारत में तब उम्मीद की किरण लेकर आई जब भारत पराधीन था और भारत के लोग अंग्रेजों के जुल्म सह रहे थे। हर तरफ सिर्फ दुख और निराशा के बादल छाए हुए थे। उन्होंने भारत के सोए हुए समाज को जगाया और उनमें नई ऊर्जा और उमंग का प्रसार किया। दोस्तों, सन 1897 में मद्रास में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था, जगत में बड़ी बड़ी विजयी जातियां हो चुकी है, हम भी महान विजेता रह चुके हैं। हमारी विजय की गाथा को महान सम्राट अशोक ने धर्म और आध्यात्मिकता की ही विजय गाथा बताया है और अब समय आ गया है भारत फिर से विश्व पर विजय प्राप्त करे। यही मेरे जीवन का स्वप्न है और मैं चाहता हूँ कि तू में से प्रत्येक जो मेरी बातें सुन रहा है अपने अपने मन में उसका पोषण करें और कार्य रूप में परिणत किए बिना ना छोड़ें। दोस्तों, हमारे सामने यही एक महान आदर्श है और हर एक को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वह आदर्श है भारत की विश्व पर विजय। इससे कम कोई लक्ष्य या आदर्श नहीं चलेगा। उठो भारत, तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा विजय प्राप्त करो। इस कार्य को कौन संपन्न करेगा? स्वामी जी ने कहा, मेरी आशाएं युवा वर्ग पर टिकी हुई है। दोस्तों, स्वामी जी को युवाओं से बड़ी उम्मीदें थी। उन्होंने युवाओं को अहम की भावना को खत्म करने के उद्देश्य से कहा है कि यदि तुम स्वयं ही के रूप में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें सहायता देने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। यदि सफल होना चाहते हो तो पहले अहम को नाश कर डालो। दोस्तों, उन्होंने युवाओं को धैर्य, व्यवहारों में शुद्धता रखने, आपस में ना लड़ने, पक्षपात ना करने और हमेशा संघर्ष करने का संदेश दिया। दोस्तों, आज भी स्वामी विवेकानंद को उनके विचारों और आदर्शों के कारण जाना जाता है। आज भी वे कई युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। तो ये थी दोस्तों युवा दिवस के शुभ अवसर पर स्वामी विवेकानंद के बारे में। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।